रिंग अंदर से पूरा टूट के अलग ही हो चुका है, आप देख सकते हैं। बल ने मुझसे 100 रुपए लिए हैं इसको चढ़ाने के, तो प्ले देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है व्हील में। और अभी इसका ये जो डिस्क रूटर है, डिस्क रूटर को भी खोल के बाहर निकाल लिया। हर कार का जो बैरिंग, फ्रंट व्हील का जो बैरिंग करने का जो प्रोसेस है, बैरिंग को निकालना कैसे है, फिट कैसे करना है, वो सब सेम होता है। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अलग है तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते, सारी गाड़ियों का जो प्रोसेस है सेम होता है बैरिंग को रिप्लेस करने का। और इसका जो डिस्क का कैलिपर है, कैलिपर भी खोल को बाहर निकाल लिया। 36 नंबर बैरिंग डलता है, आप देख सकते हैं। और अभी ड्राइव शाफ्ट से निकाल के इसको अलग कर लिया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस टेक। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरी गाड़ी का जो फ्रंट व्हील है को ड्राइवर साइड, इसका जो बैरिंग है, बैरिंग ख़राब हो गया है और टायर में जो काफ़ी ज़्यादा व्हील में प्ले आ गई है। और जब गाड़ी चलती है हाई स्पीड में तो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग साउंड आता है, एक कंस्टेंट जो आवाज़ आती रहती है, गूंज आती है जब टायर चलता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको रिप्लेस कैसे करना है और बैरिंग का क्या कॉस्ट रहता है, मैकेनिक की क्या लेबर है। तो चलती गाड़ी में भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा साउंड आ रहा है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एंड तक बने रहे। प्ले देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा है व्हील में। तो जो व्हील है, व्हील खुल चुका है कम्प्लीटली और अभी व्हील को खोल के बाहर निकालेंगे। और अभी इसके बाद जो इसका मेन स्क्रू नट है, ये वाला नट जिसको कट नट कहते हैं, और इसको बाहर निकालेंगे खोल के। इसको एक्सल नट कहते हैं। तो अभी इसका जो एक्सल नट है, एक्सल नट भी खोल के बाहर निकाल लिया है। चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो भाई ये है इसका मेन नट जिसको एक्सल नट कहते हैं। ये कट नट इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर कट दे रखा और लॉक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा हैमर कर देते हैं ताकि ये खुले ना और इस कट में ये नट का ये जो पार्ट है यहाँ फिट हो जाए। तो थोड़ा टाइट है तो इसलिए इसको जोरिक स्प्रे भी कर दिया ताकि ये थोड़ा आराम से खुल जाए। तो पहले इसका ये जो डिस्क रूटर है इसको खोल के बाहर निकालेंगे। डिस्क रूटर के खुलने के बाद ही ये इसका जो एक्सल का जो बैरिंग है, बैरिंग खुलेगा। तो जो टाई रोड है स्टेयरिंग की, उसको भी खोलना पड़ेगा। तो टाई रोड को खोल के अलग कर लिया। और अभी इसका जो ब्रेक का कैलिपर है, कैलिपर को खोलेंगे। और इसका जो डिस्क का कैलिपर है, कैलिपर भी खोल को बाहर निकाल लिया। और अभी इसका ये जो डिस्क रूटर है, डिस्क रूटर को भी खोल के बाहर निकाल लिया। तो अभी इसका ये पूरा हब और नकल दोनों बाहर निकलेंगे। और इस पार्ट को हब कहते हैं और इस पार्ट को नकल कहते हैं। और ये दोनों बाहर निकलेंगे और उसके बाद खराद का काम होगा। खराद इसका बैरिंग जो है खोल के बाहर निकालेगा और उसके बाद दूसरा नया बैरिंग इसमें डालेगा हाइड्रोलिक प्रेस के थ्रू। तो चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं हमेशा आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता हूँ और मेरी हर वीडियो में पार्ट का क्या रेट रहता है और मैकेनिक की क्या लेबर है वो मैं कम्प्लीट अपनी वीडियो में बताता हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहें। और अभी शॉकर के जो नट है नीचे वाले, शॉकर के नट बोल्ट को भी खोल के बाहर निकालेंगे। और तो भाई जो शॉकर के नट हैं, शॉकर के दोनों नट खुल गए हैं। और अभी ड्राइव शाफ्ट से निकाल के इसको अलग कर लिया। भाई इसका एक्सल और नकल दोनों खोल के बाहर आ गए हैं। और यहाँ पर इसका बैरिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका बैरिंग है। और तो अभी मैं इसको खराद के पास लेके जाऊँगा, वो हाइड्रोलिक प्रेस से इसको निकालेंगे और नया इसमें डालेंगे। तो चलिए अभी चलते हैं हाइड्रोलिक प्रेस वाले के पास। तो भाई हाइड्रोलिक प्रेस के पास आ गए और यहाँ पर निकलेगा इसका बैरिंग हाइड्रोलिक प्रेस से। भाई आप देख सकते हैं इसका जो बैरिंग है, बैरिंग पूरा अंदर से टूट के अलग ही हो चुका है, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर ये बॉल्स घूमती हैं और बैरिंग के अंदर वाली हब अलग हो गई है और ऊपर वाली अलग हो गई है। जो अभी नकल वाले पार्ट में, इसका जो नकल वाला पार्ट है, नकल वाले पार्ट में जो बैरिंग का पार्ट है
उसको निकाल रहे हैं। तो भाई ये है इसका पुराना बैरिंग जो निकाला है बाहर। तो भाई ये बैरिंग इसका दो पार्ट में होता है और इसका एक जो पार्ट था वो बिल्कुल ही वीक हो गया था, और जब इस बैरिंग को निकालने के हाइड्रोलिक प्रेस से तो वो टूट के ही पूरा बाहर आ गया। तो इसके इस पोर्शन में ही प्ले थी, ये पोर्शन इसका ठीक है। और नया बैरिंग खरीद लिया इसके लिए, तो आप देख सकते हैं SKF कंपनी का लिया है, ये April 2023 का बना हुआ है और नया बैरिंग आए। तो अभी जो नया बैरिंग है, नया बैरिंग डलेगा इसके अक्ल में, तो आप देख सकते हैं। तो नया बैरिंग है जो हाइड्रोलिक प्रेस से इसके अंदर डल चुका है। और अब इसके अंदर जो इसकी लॉकिंग वाशर है, लॉकिंग वाशर डाल दिए बैरिंग बाहर ना निकले। और अभी नकल में बैरिंग फिट करने के बाद अभी एक्सल के ऊपर जो पूरा बैरिंग और नकल है उसको फिट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हाइड्रोलिक प्रेस के साथ बहुत ही आसानी के साथ ये फिट हो गया इसके ऊपर। तो भाई जो बैरिंग है, बैरिंग फिट हो के आ चुका है नकल और इसकी एक्सल हब में। और इसकी जो खराद के लेबर है, खराद वाले ने मुझसे 100 रुपये लिए हैं इसको चढ़ाने के। तो जैसे ही बैरिंग को खोला था इसको पूरा, पूरी की पूरी असेंबली को, वैसे ही इसको पूरा इसमें फिट करेंगे। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो बैरिंग डलता है, बैरिंग इसमें 36 नंबर बैरिंग डलता है, आप देख सकते हैं। और भाई हर कार का जो बैरिंग, फ्रंट व्हील का जो बैरिंग करने का जो प्रोसेस है, बैरिंग को निकालना कैसे है, फिट कैसे करना है, वो सब सेम होता है। और ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी अलग है तो आप ये वीडियो नहीं देख सकते, सारी गाड़ियों का जो प्रोसेस है सेम होता है बैरिंग को रिप्लेस करने का। और वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और मैं आपको टोटल कॉस्ट बता देता हूँ मेरा कितना कॉस्ट आया इसके बैरिंग को रिप्लेस करवाने का। 900 रुपये का मुझे बैरिंग मिला है इसका, और 100 रुपये खराद वाले ने लिए हैं, और 300 रुपये मैकेनिक की लेबर है। और जो मेरा टोटल कॉस्ट आया बैरिंग को रिप्लेस करवाने का, 1300 रुपये टोटल लगा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।